करेले की माँ बनाने के लिए मैंने सबसे पहले पैन ले लिया, ठीक है। अब इसमें मैं तकरीबन 1 कप के बराबर ऑयल डाल दूँगी, 1 कप। और इसमें मैं 2 अदद दरमियाने जो प्याज हैं वो मैंने काट के उसके अंदर वो भी शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाह, क्योंकि सबसे पहले करेलों को जो सा है वो मसाला बना लेंगे। करेले मैंने नमक लगा के और उनको धो के फ्राई करके अलग से रख दिया हुआ, तो अब उसकी मसाला बनाना है कीमे का। तो ये जी 2 अदद प्याज डाल दिए मैंने, अब इनको मैं फ्राई करूँगी अच्छी तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये प्याजों का कलर तकरीबन चेंज हो चुका है, ठीक है। जैसे ही इनका कलर चेंज हो जाए, थोड़ा लाल हो जाए, तो इसमें कीमा मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसमें कीमा अच्छी तरह से डाल के इसको मैं फ्राई कर लूँगी। देखिए इसको मैंने अच्छी तरह से मतलब मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं जो उनसे अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी 2 चम्मच, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही अब इसमें मैं ये मसाले भी ऐड कर दूंगी। इसमें मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, मिर्च लिया है, और 1 टीस्पून मैंने कुटी लाल मिर्च लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ली है, और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर लिया है। ये सारे मसाले डाल के तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मैं देखती ये तकरीबन सारा कुछ मसाले वगैरह डाल लेने के बाद भूनने के बाद उसकी शक्ल कुछ ऐसे हो जाएगी। इसको खड़े ही मसाला बनाना है इसका। अब इसमें मैं तकरीबन 3 अदद के दरमियाने टमाटर थे जो मैंने काट के रखे थे वो मैं इसमें डाल दूँगी, और इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको 5 मिनट के लिए मैं ढक्कन दे के रख दूँगी ताकि टमाटर इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसको तकरीबन काफ़ी टाइम हो चुका है, ये देखें टमाटर इसमें काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब ये स्पैचुला की मदद से ये टमाटरों को हम इस तरह से मैश कर लेंगे। अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, और ये देखिए इस तरह से मैश करने से वो बिल्कुल पेस्ट बनते जा रहे हैं। इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ, ये अच्छी तरह बन चुका। अब इसमें यहाँ पर मैं ये हरी मिर्च डाल दूँगी, जो कि ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल लें। हरी मिर्च डाल के इसको अच्छी तरह से सब्जी लूँगी। अब इसमें जो देखिए मैंने करेले फ्राई करके रख दिए थे, तो ये इसमें शामिल कर देते हैं। और साथ ही इसमें ये देखिए कच्चे प्याज हैं, कुछ मैंने बचा के रख लिए थे इस पर, क्योंकि ये प्याज इसमें करेलों में ज़्यादा इसलिए मैं डालती थी, इसका जो कड़वापन है ना प्याज मिक्स होती है तो वो इसके करवाहट जो है ना वो बैलेंस हो जाती है। अब ये इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं दम पे रख दूँगी ताकि इसमें जो प्याज और ये जो करेले हैं ये अच्छी तरह से नरम हो जाए और मसाले इनमें रच जाए। देखिए जी अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है, और शक्ल चेक करें जी कितनी मज़े की इसकी शक्ल है, बहुत ही मज़े का बन रही है, तैयार होता है। अब इसको मैं ढाम के रख देती हूँ, इसको दम पे रखेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए जी। तो इसको दम लग चुके, अब ये है जी इसकी फाइनल शक्ल। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है, और बहुत ही मज़े का होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखें ये कितनी जल्दी बनके तैयार हो गया है, इसलिए क्योंकि इसके लिए पहले मैंने बहुत मेहनत की थी। करेलों को काट के पहले से नमक लगा के धो के फ्राई करके रख लिया था, उसके बाद बस झटपट मसाला भुना मैंने, कीमा भुना और उसमें डाले, और आधे घंटे में डिश तैयार है। और कितनी ज़बरदस्त मतलब ये लग रही है, अगर मैं इसके दिखाऊँ तो आप लोग इसको बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा जिस तरह से मैंने बनाई है। एक दफ़ा इस तरह से बना के ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको कड़वे करेले बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, और आपको मज़ा भी आएगा खाने का। इसको रोटी के साथ जो सा आप गरम गरम रोटी के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, या घर की सूखी रोटी या घी वाली रोटी के साथ इसको सर्व करें। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जो सा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग या नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर।